हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सेल्स टैक्स एंड वैल्यू एडेड टैक्स। तो हम समझते हैं कि सेल्स टैक्स क्या होता है और वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है और ये कहाँ यूज़ होता है। तो देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्स टैक्स इज अ चार्ज बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, ये जो सेल्स टैक्स चार्ज करती है वो कौन करती है? गवर्नमेंट चार्ज करती है। तो मतलब जितना भी सेल्स टैक्स का जो पैसा आएगा वो किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट के पास जाएगा। और ये जो चार्ज होता किसके ऊपर है? आइटम के ऊपर। मतलब जैसे अगर आपने कोई आइटम परचेस किया है, फॉर एग्जांपल हमारा कोई फुटवेयर है, ठीक है, तो जो फुटवेयर है उसकी जो कॉस्ट है, मतलब जो उसका प्राइस है वो कितना है? 500 रुपीज़। अब क्या होगा कि जो गवर्नमेंट होगी वो उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगाएगी और सेल्स टैक्स परसेंटेज में लगाती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 50 रुपीज़ का उसके ऊपर क्या लग गया? सेल्स टैक्स लग गया। तो सेल्स टैक्स लगने के बाद हम जो पे करते हैं, या हम बोल सकते हैं हमारा जो बिल का अमाउंट है वो कितना हो गया? 550 रुपीज़। तो जो आइटम था कितने का? 500 रुपीज़ का। उसके ऊपर जो सेल्स टैक्स लगा वो कितने रुपीज़ लगा? 50 रुपीज़। तब जाके हमको जो अमाउंट पे करना है वो क्या करना है? 550 रुपीज़। अब ये जो 50 रुपीज़ सेल्स टैक्स लगा वो कौन लेगा? तो वो जो कलेक्ट करता है वो कौन करता है? शॉपकीपर। मतलब कस्टमर से वो जो 50 रुपीज़ से जो सेल्स टैक्स के हैं वो कौन लेता है? शॉपकीपर लेता है। और शॉपकीपर किसको देता है? गवर्नमेंट को। तो मतलब जो सेल्स टैक्स जो है वो लेने का तरीका क्या है? जो सेल्स टैक्स है वो कस्टमर से शॉपकीपर कलेक्ट करेगा और शॉपकीपर किसको पे करेगा? गवर्नमेंट को पे करेगा। अब हम देखते हैं कि ये जो टॉपिक है इस पे हम कौन से फॉर्मूले यूज़ करने वाले हैं। तो हम बेसिकली यहाँ पे दो फॉर्मूले यूज़ करने वाले हैं। पहला फॉर्मूला तब लगेगा जब हमको क्या गिवन रहेगा, एक तो आइटम की कॉस्ट और दूसरा हमको सेल्स टैक्स का परसेंटेज, और हमको पूछते हैं कि उसको पर्सन को कितना बिल पे करना है, या हम बोल सकते हैं कि बिल अमाउंट कितना है। तो कॉस्ट प्राइस आपको गिवन, सेल्स टैक्स का परसेंटेज भी आपको क्या रहेगा? गिवन रहेगा। तब जब बिल अमाउंट का फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा आपका 100 प्लस सेल्स टैक्स का परसेंट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम। मतलब जो आइटम की क्या रहेगी? कॉस्ट प्राइस रहेगी, उसमें इसका क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बिल अमाउंट। अब दूसरा केस, अगर आपको कॉस्ट निकालनी है आइटम की क्या निकालनी है? कॉस्ट निकालनी है। तो इस केस में आपको सेल्स टैक्स परसेंट गिवन रहेगा और बिल अमाउंट गिवन रहेगा। तब आप फॉर्मूला लगाना 100 अपॉन में 100 प्लस सेल्स टैक्स परसेंट, या हम इसको बोल सकते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। तो वैल्यू एडेड टैक्स वो होता है जो प्राइस में क्या रहता है? इंक्लूडेड होता है, इनटू आपका क्या हो जाएगा? बिल अमाउंट। तो ये दो फॉर्मूले हम पूरे सम्स में यूज़ करेंगे, और जिसमें हम क्या निकालेंगे? एक बिल अमाउंट भी निकालेंगे और दूसरा हम जो आइटम है उसकी क्या निकालेंगे? कॉस्ट। दूसरी चीज, आज की तारीख में सेल्स टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स की जगह गुड्स एंड सर्विस टैक्स यूज़ होने लगा है। मतलब अब जो आइटम पे आपके यहाँ जो टैक्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा है? GST लग रहा है। अब हम देखते हैं सेल्स टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमको यहाँ पे गिवन है द कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ रोलर स्केट्स एट अ शॉप वॉस ₹450। मतलब यहाँ पे हमारे पास जो आइटम है वो क्या है? रोलर स्केट्स है, और उसकी कॉस्ट दे रखी है हमको कितनी? 450 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ, मैंने रोलर स्केट की जगह क्या, स्केट्स की जगह क्या लिख दिया है? आइटम लिख दिया है। तो जो कॉस्ट ऑफ आइटम है वो आपको कितनी दे रखी है? ₹450। उसके ऊपर जो सेल्स टैक्स है वो लग रहा है कितना? 5%। हमको क्या पूछा है लास्ट में? बिल अमाउंट फाइंड करना है। तो जब हमको बिल अमाउंट फाइंड करना है तो इसका हमारे पास फॉर्मूला है 100 प्लस सेल्स टैक्स परसेंट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ आइटम। मतलब जो आपकी आइटम की कॉस्ट है उसका मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हो जाएगा 100 प्लस सेल टैक्स का परसेंटेज 5 अपॉन में 100, और कॉस्ट ऑफ आइटम कितनी है? 450। तो 0 से 0 क्या हो गया आपका? कैंसिल। तो यहाँ पे हो गया 105 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई बाय 45। 5 से कट कर दो, 5 2 10 और 5 9 45। तो यहाँ से हो जाएगा 105 इंटू 9 अपॉन में
टू, तो 9 5 ज़ा 45, 9 1 ज़ा 9, तो ये हो गया 9 45 अपॉन में 2, तो 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। तो हमारा जो बिल अमाउंट बनेगा, जो हमको बिल पे करना है, वो कितना पे करना है, 472.5 रुपीस। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पे लिखा हुआ है वाहिदा बोट एन एयर कूलर 4 रुपीज़ 3,300 इंक्लूडिंग अ टैक्स ऑफ 10%। मतलब जो उसने अमाउंट पे किया है वो पे कितना किया है, 3,300, जिसके अंदर वैट टैक्स ऑलरेडी क्या है, इंक्लूडेड है। मतलब अब इस केस में हमको क्या दे रखा है, बिल अमाउंट दे रखा है। मतलब उसने जो शॉपकीपर को पे किया बिल, वो कितना दे रखा है, 3,300। अब यहाँ पे देखो वैट टैक्स कितना है, 10%, तो आपका जो वैल्यू एडेड टैक्स है वो कितना है, गिवन है हमको 10%, और हमको उसकी क्या निकालनी है, आइटम की कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट ऑफ एयर कूलर आपका कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या था, जब हमको कॉस्ट निकालना है, बिल अमाउंट गिवन है और वेट टैक्स गिवन है, तो हम क्या करते हैं, 100 अपॉन में 100 प्लस आपका वैल्यू एडेड टैक्स इनटू आपका क्या हो जाएगा, बिल अमाउंट। तो यहाँ से देखो 100 अपॉन में 100 प्लस वैल्यू एडेड टैक्स कितना है, 10, और बिल अमाउंट कितना है, 3,300। तो यहाँ से हो जाएगा 100 अपॉन में 110 इंटू 3,300, 0 से 0 क्या हो गया, कैंसल, 11 3 ज़ा 33, तो आपका बचा 100 इंटू 30, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3,000 रुपीज़। मतलब जो एयर कूलर था वो कितने का था, 3,000 का था, और उसके ऊपर 10% क्या लगा, वैल्यू एडेड टैक्स, तब जाके उसने वाहिदा ने वो जो कूलर है वो कितने में ख़रीदा, 3,300 में। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। द प्राइस ऑफ अ टी वी इज़ ₹13,000, द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज़ एट द रेट ऑफ 12%, और फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइस इट। मतलब यहाँ पे हमको आइटम की कॉस्ट दी हुई है, मतलब कॉस्ट ऑफ अ टी वी आपको कितना गिवन है, ₹13,000। अब इसके ऊपर जो सेल्स टैक्स है वो लग रहा है यहाँ पे 12%, तो हमको पूछा है कि जो अमाउंट है विनोद कितना पे करेगा, मतलब जो बिल बनेगा, या हम बोल सकते हैं बिल अमाउंट जो बनेगा विनोद के लिए वो कितना बनेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, बिल अमाउंट का 100 प्लस ST% मतलब सेल्स टैक्स परसेंट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ आइटम, मतलब जो आइटम की कॉस्ट है, तो 100 प्लस सेल टैक्स कितना लगा उसको, 12 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय आइटम की कॉस्ट कितनी है, 13,000, तो यहाँ से हो जाएगा 112 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय 13,000, तो 20 से 20 क्या हो गए, कैंसल, तो 112 इंटू 13 का मल्टीप्लाई कर लो, 13 2 ज़ा 26, 13 1 ज़ा 13 और 2 15, 13 1 ज़ा 13 और 1 14, तो यहाँ से जो हमारा आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, 14,560 रुपीज़। मतलब जो आइटम विनोद, जो अमाउंट जो विनोद पे करेगा आइटम के लिए वो कितना हो जाएगा, 14,560 रुपीज़। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आई परचेज्ड अ हेयर ड्रायर 4 रुपीज़ 5,400 इंक्लूडिंग 8% वैल्यू एडेड टैक्स। मतलब जो हेयर ड्रायर का जो बिल अमाउंट बना वो कितना बना आपका, ₹5,400। इसको बिल अमाउंट इसलिए बोला है क्योंकि इसके अंदर वेट टैक्स ऑलरेडी क्या है, इंक्लूडेड है, तो जो वैल्यू एडेड टैक्स इसके अंदर इंक्लूडेड है वो कितना है, 8%। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे वो जो हेयर ड्रायर है उसका क्या निकालना है, प्राइस निकालना है। तो जो प्राइस ऑफ अ हेयर ड्रायर, मतलब जो हेयर ड्रायर की हमारी प्राइस होगी, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, 100 अपॉन में 100 प्लस वैल्यू एडेड टैक्स का परसेंट मल्टीप्लाई बाय आपका जो बिल अमाउंट है उसका क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हो जाएगा 100 अपॉन में 100 प्लस 8 इंटू बिल अमाउंट कितना है, 4500,
तो यहाँ से हो जाएगा 100 अपॉन में 108 इंटू 5400। तो 108 फाइव ज़ा कितना 540, तो कितना बचा 100 इंटू 50, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 5000। मतलब ये जो बिल अमाउंट था वो कितना था 5400, और जो एक्चुअल प्राइस थी वो कितनी थी 5000। तो ये थे हमारे सेल्स टैक्स एंड वैल्यू एडेड टैक्स पे सम्स। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें।